रुक करते हैं आज की सुपर फास्ट खबरों की ओर। हरपालपुर बर्ड फ्लू अलर्ट मामले को लेकर मंगलवार को पहुंची सैंपलिंग एवं रोकथाम गठित टीम। हरपालपुर जिले के नगर हरपालपुर में बर्ड फ्लू का पहला मामला मिलने के बाद संचालनालय द्वारा पशुपालन विभाग को एडवाइजरी जारी की गई है। इनके मद्देनजर कलेक्टर ने उपसंचालक पशुपालन विभाग के प्रतिवेदन पर आगामी 7 दिनों तक चिकन विक्रय परिवहन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। आज मंगलवार को पहुंची सैंपलिंग एवं रोग नियंत्रण गठित टीम। सैंपलिंग टीम ने मुर्गा बिक्री व पोल्ट्री फार्म पर संचालकों को साफ सफाई व सैनिटाइज करने की हिदायत व ग्राम गुड़ों में पोल्ट्री फार्म संचालक हरपालपुर में अलूप व घनसोले अहिरवार के पोल्ट्री फार्म के मुर्गों के सैंपल भी लिए गए। सैंपलिंग एवं रोग नियंत्रण गठित टीम में डॉक्टर ए आर सेन सीनियर वेटनरी सर्जन, डॉक्टर के अहिरवार वेटनरी सर्जन अलीपुरा, आनंद स्वरूप AVFO लक्ष्मी यादव HP निरंजन, हरपालपुर के प्रभारी डॉक्टर मेघ सिंह आर्य वेटनरी ऑफिसर विकास खंड नौगा जिला छतरपुर में पदस्थ हूँ। आज आपने क्या कार्रवाई की? आज मैंने उप संचालक महोदय के आदेशानुसार ग्राम हरपालपुर आकर के शहर के अंदर जो मुर्गी विक्रेता थे, अंडा विक्रेता थे, उनका निरीक्षण किया। दुकानें बंद पाई गई। यहाँ गुढ़ो गांव आकर के जो एक पोल्ट्री फार्म है, जो इनका ब्रायलर का फार्म है, इसको देखा। इसके मुर्गी पालक को समझाया दी कि यहाँ मुर्गियों की साफ सफाई रखें। अचानक यदि पक्षियों की मौत होती है तत्काल नजदीकी पशु चिकित्सक अधिकारी से संपर्क करें। और इनके फार्म के जो श्री खचोरे या अहरवार जी हैं, इनके पोल्ट्री फार्म के हमने क्लोकल सैंपल भी लिए। धन्यवाद।